हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, हमारी पूजा की तैयारी चल रही है। हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, हम बेलपत्र निकाल रहे हैं। अच्छे अच्छे बेलपत्र हम अलग कर रहे हैं, और कटी फटी जो हमारी बेलपत्र है उसको हम ये अलग रख रहे हैं। जो अच्छी अच्छी है उसको अलग रख रहे हैं, और जो कटी फटी है उसको हम निकाल रहे हैं। तो देखिए, हमें बेलपत्र बहुत सही नहीं मिली है। ये देखिए, ये सारी टूटी हुई है। तो अभी हमारी तैयारी चल रही है। तो अच्छी अच्छी बेलपत्र हम निकालेंगे इसमें से। हमें 1100 बेलपत्र चाहिए। तो एक एक करके हम इसको छांटेंगे, अच्छा अच्छा निकालेंगे। तो कुछ इसमें हैं जो कि अच्छी हैं, कुछ हैं बेलपत्र जो कटी फटी हैं। तो कटी फटी बेलपत्र तो भगवान भोलेनाथ को चढ़ती नहीं है, तो इसलिए हम अच्छी अच्छी बेलपत्र ही निकालेंगे, और अच्छे अच्छे बेलपत्र ही भोले बाबा को चढ़ाएंगे। तो देखिए, और हमारे घर में पूजा की तैयारी चल रही है, हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। ये देखिए, सब लोग लगे हुए हैं घर की साज सज्जा में। सब लोग सजावट कर रहे हैं। अभी मेहमान नहीं आए हैं, शाम तक मेहमान भी आ जाएंगे। तो अभी हमारा काम चल रहा है, और हम बैठे हैं। सुबह हम 4 बजे से लगे हुए हैं फ्रेंड्स। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमारे गुरु जी नहीं आए हैं, पंडित जी अभी आने वाले हैं। तो उनके आने से पहले हम सोच रहे हैं कि हम अपने ये बेलपत्र अच्छे से निकाल लें, अलग कर लें, और फिर हम अभी आपको पूरा दिखाएंगे। वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ये है सारी गेंदा की लड़ी हमने मंगाई थी। इसको हमने अच्छे से रखा हुआ था। कमल के फूल भी आए थे, और जो जो चीज़ें आई हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारे फूल पूजा में लगने वाले हैं। भोले बाबा के लिए भांग भी आई है। ये लड़ी है गेंदे की, तो थोड़ी गेंदे की लड़ी हम अपने गेट पे भी लगाएंगे। सीढ़ियों पर भी थोड़ी सी लगानी है। अभी हमारी साज सज्जा चल रही है, घर की सजावट हो रही है। तो आम के पत्ते भी सजाए जा रहे हैं। ये बिटिया लगा रही हैं सीढ़ियों पर, और गेट पे लग चुकी है झालर। बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग अपना अपना काम संभाले हुए हैं। ये सारे फूल हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। अब गुरु जी हमारे आने वाले हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। उनका फ़ोन आ चुका है कि वो आ गए हैं, बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, रास्ते में हैं। उनके आने से पहले हम पूरा रेडी कर लेंगे यहाँ पर। देखिए, गुरु जी हमारे आ चुके हैं, और अब ये बना रहे हैं शिवलिंग। मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं, गणेश भगवान बनाए हैं, नंदी महाराज बनाए हैं, और गौरा माता, सबको ये बना रहे हैं। मिट्टी से सबकी प्रतिमा बनाएंगे, और बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने बनाया है। जितनी भी मूर्तियाँ बनाई हैं बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं देखने में। और इतनी जल्दी इन्होंने बना दिया है, बस आधा घंटा ही लगा है इनको बनाने में। और इन्होंने शिवलिंग भी बना दी है, गौरा माता को बना दिया है, कार्तिकेय भगवान भी बना दिए हैं। ये देखिए, दिखा रहे हैं गौरा माता कितनी सुंदर लग रही हैं। तो इन्होंने बहुत जल्दी बनाया है। गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, नंदी जी, शिव जी, सबको इन्होंने अपने हाथों से बनाया है, और बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया है। और हमारी पूजा इधर स्टार्ट हो गई है। पुनः तो लाके तिलकम्।
इसमें डाल डाल रही है थोड़ा महाराज जी पैंती विधाता
नमो नमस्ते। अंग अंग से पुलकता हो कर स्वर्ण प्रदान करो माता, मेरे सूर्य सदन के अंदर फिर सुख शांति भरो माता। हर काफे थे हर के मत पर, हर काफे थे हर के मत पर, मेरा के दया के धरती, मेरा नहीं दया के धरती, मुझे प्रदान करो माता मेरे शोक सदन के। वहीं पे हाथ लगा ले रहे हैं। बाएं हाथ से दाहिने हाथ से ढक लीजिए, कलावा निकाल के दे दो इधर गणेश जी पे गुलाब की, जो भी है जो इंडेक्स फिंगर रिंग, हाँ इससे इंडेक्स माने सूचित करना, ये भगाने वाली उंगली है। तो ये भूत विसर्ग कर रहे हो, यहाँ जो घर में भूत प्रेत है उनको पहले भगाओगे तब देवताओं का आवाहन कर पाओगे। तो इसके चारों तरफ से छोड़ना, इस तरफ हम इशारा करेंगे चौकी वहीं से बैठे छोड़ो। पूर्वे रक्षक भस्मेशा आग्नेय त्र्यंबके त्वरा, दक्षिणे वैद्यनाथस्य नैऋत्ये भीमशंकर, पश्चिमे अवतु नागेशो वायव्यं मल्लिकार्जुन, उत्तरे विश्वनाथस्य ईशान्यं ममलेश्वरा, ऊर्ध्वं केदारनाथस्य पातुर्भो गिरिजापति, एवं दश दिशो रक्षेत् वामदेव उमापति। त्रिशूलं पातु यज्ञाग्नी, छोड़ दीजिए सब, छोड़ दीजिए चारों दिशाओं में, पैसा नीचे रख दीजिए, ताली बजा दो तीन बार। त्रिशूलं पातु यज्ञाग्नी, प्रस्थे रक्षतु जाह्नवी, वाम पार्श्वे रुद्रकार, दक्षिणे चंद्रमा तथा। अब प्रार्थना करना भोलेनाथ से कि प्रभु जो है जी, भूत प्रेत सब आपके ही गढ़ है, उनसे रक्षा करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जो आपके पितर भी हैं या और किसी के पितर हैं या किसी स्थान के देवता हैं, वो जो पूजा में विघ्न डालते हैं, भूत प्रेत पिशाच और राक्षस योनि में भटक रहे हैं, उनसे आप रक्षा करिए कि किसी प्रकार से पूजा में और हमारे जीवन में विघ्न न डाले। इसके बाद में कलावर भैया बंद हो, पहले भैया बंद हो फिर अभी लोग उनको कराने लगेंगे। पहले ॐ यां राम लां भां गां गां सं हं सं ॐ स्वस्ति सर्वे इन्द्रियाणि वाणि मनः कच्छ कच्छ श्रोत्र प्राण जिह्वा पाद 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 जिह्वा यागतम समर्पयन्ते सत स्वाहा। ॐ भूदर्शन साम सदाशिवम् आवाहयामि, ॐ भूयागतम साम सदाशिवम् पञ्चागतम साम सदाशिवम् आवाहयामि। प्रथम बीज सुपर आवाहन माने क्या होता है, बुलाने की मुद्रा होती है, कोई तुम्हारी भाषा न समझता हो या तुम्हारी आवाज जहां तक न जा रही हो पृथ्वी पर, कोई है उसको कैसे बुलाओ, उसका बुलाने की ये आवाहन मुद्रा है। और जो आकाश में है उसको बुलाने के लिए ये दोनों हाथ पकड़ लीजिए, ऐसे करना है। तो देवताओं को आप लोग आकाश में ध्यान करके सभी मूर्तियों सामने ऐसे से तीन बार कर लीजिए, शिवजी के गढ़ जो है उसमें गणेश जी का कौन सा स्थान है, महागढ़, इसलिए गणेश जी को कहा जाता है महागढ़ाधिपते नमः। अब पुनः पुष्प लीजिए, जो गणों की माता है अर्थात शिव की शक्ति पार्वती जी जो सामने बैठे उनका ध्यान कीजिए, लाल पुष्प लेके बड़े भाव के साथ आवाहन कीजिए। के सारे अभिरतम
फूल चढ़ाइए। हाँ चढ़ा दो चढ़ा दो। माता पार्वती देवी नमः। एक एक पुष्पी आप उठाइए बना लीजिए। ये गणों की माँ है और उसके बाद में गणों के सेनापति कौन है? शंकर जी के बड़े पुत्र नहीं, शंकर जी के बड़े पुत्र परानंद जी, ये जो है ये सेनापति जी है। ॐ सिखी बाहो देवा समर भयकारी शिव सुता परम सेनानी शंकर मुख तथा द्वादश भुजा महाशक्ति शोभा अमर गण सेवित सर्वदा बजा मातम शरणं भरत भय हारी तेयसा। ओम स्वामी कुमाराय नमः। कट मुखाय नमः। छोड़ दीजिए पुनः पुष्पाइए। ये गणों के जो है सेनापति है और जो प्रधान गण है वीर भद्र जी जो शंकर जी के सबसे विरोधी गण है। शंकर जी ने जो अपनी जटा से प्रकट किया था वीरभद्र और भद्रकाली को, जिन्होंने शंकर जी के ससुर और दक्ष प्रजापति का नाश किया था। गर्दन कट रही रही थी, इसे ऐसे खींच के निचोड़ के इसे बिल्कुल डाल दिया था अग्निकुंड में। वीरभद्र जी का सूर्य में ही ध्यान किया जाता, अलग स्थान इनका घर में नहीं दिया जाता, सिर्फ यज्ञ स्थाना में दिया जाता। वीरभद्र जी का ध्यान कीजिए। महावीर भद्रा चतुफल प्रदाता वैपुरा कथा कन्या धंसा चतुपति सदेवा अधिगर महाकोपा जाता शिवगर प्रधानो बलगिरि मकंद चौदेव सकल समुदाय पुर कृपा। कौन वीर भद्राय नमः। सुनी सुना अपने भक्तों को कुबेर के समान धनवान बनाने वाले सुनी के गण एक भी कुबेर जी धनपत कुबेर जो रावण के बड़े भाई हैं, विश्वसभा के बड़े पुत्र हैं और अलकापुरी के राजा हैं, उनका ध्यान कीजिए। और धनेशो यज्ञे सागिर सप्रिय देवा आज का तो 11 सिंह ये सूर्य का पूजन करे, उसमें 11 रुद्र समाहित है और ब्रह्मा विष्णु महेश और सत रज तम तीनों को जिनमें समाहित हुए सदाशिव जी का पूजन आप करें, जिन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में समाहित है और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तत्व समाहित हुए सदाशिव है। और ये 11 सूर्य जो आप इनका ध्यान करें ये एकादश रुद्र है जिनका सबका पूजन करो, जो तभी सूर्य का पूजन पूरा माना जाता है। और 10 का पूजन रावण ने किया था, 11वें का नहीं किया था, तो 11वें सूर्य ही जो है रुद्र थे हनुमान जी। तो आपको 11 सूर्य सही पूजन करना है। ंदन ने 11 रुद्र उमापति शंकर लीला बिहारी हे रघुनंदन के प्रिय भाजन हे करुणेश दिगंबर हे डमरु धर शशि गंगा का राधर हे डमरु धर शशि गंगा का राधर हे विषधर हे त्रिपुरारी पांडव। मनुष्य एक क्या है? माध्यम है, लेकिन कारण उसका क्या है? सूर्य और पृथ्वी। सूर्य क्या है? बगैर पृथ्वी के वो भी कुछ नहीं, जिसका आधार ही नहीं होगा कुछ तो वो नहीं। तो आधार क्या है? आधार है अर्घा। और लिंग क्या है? पुरुष अर्थात सूर्य। तो सूर्य प्रकृति माने पृथ्वी और सूर्य का पूरा पूजन एक साथ में आप शिवलिंग में करते हो, तो इसी से जो है कैलाश के रहने वाले पर्वत पे रहने वाले कर रहे हैं कृष्ण
सुख रही। भूमापति महादेव की जय। अघोषे सोनुताशे वयशे रसशे घृतं चे मदशे सन्दिशे सबीशे कृषमे प्रतिशमे जयतं चोदे जगेन कृवन्ता। अखर इसको रखना नहीं, इसको छालना है और कोई बड़े रत्न में। Yeah.
जग मंडल गले में माला, जग मंडल गले में माला, पाघंबर लखताए हरे ओम नमः शिवाय, बाबा ओम नमः शिवाय, हरे ओम नमः शिवाय। नंदी पर जो
शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय Bye.
नमो नमः